कबीरधाम जिले में बापानी के पास जो घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 19 लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियाँ आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की ज़रूरत है। और ये गाड़ी कुई कुकदूर के किसी रामकृष्ण साहू की है। अब वाहन जो है वो मालवाहक है और इसमें लोग सवार थे। इसमें बीमा की राशि इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मालवाहक में यदि कोई यात्रियों को परिवहन किया जाता है तो बीमा की राशि मिलने में कठिनाई आती है। ये पूरे मामले की जांच होने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से राज्य शासन की ओर से मृतक के परिवारों को सहायता दी जा रही है। तो बीमा की राशि भी इनको मिले, इसका प्रयास भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। वाहन में कुल 25 लोग सवार थे और उसमें से जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और मैं इनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।